हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे ग्रीन्स थ्योरम। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद मैं आपको इसके दो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगा। पहले टाइप के न्यूमेरिकल में आपके वेरीफाई टाइप के होते हैं कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। दूसरे टाइप का आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इवेल्युएट करनी पड़ती है कोई क्वांटिटी यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये वीडियो मैथमेटिकल ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर है, फिजिक्स के ऊपर नहीं है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वीडियो है। अगर आप सोच के आए हैं कि ये फिजिक्स का वीडियो है और मैं फिजिक्स की ग्रीन थ्योरम आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो आप प्लीज इस वीडियो को बंद कर दें। अगर आप इंजीनियरिंग मैथ्स का देखना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स क्योंकि होंगे यहाँ पर और सीधा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस और बाकी चीजें जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो नहीं होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेटमेंट ये जो है सिर्फ ये पढ़नी है ग्रीन्स थ्योरम में, जो कि कहती है अगर दो फंक्शंस हैं यू और वी, उनके पार्शियल डेरिवेटिव सिंगल वैल्यूड और कॉन्टिन्यूस हैं ओवर अ प्लेन रीजन आर बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, तो एक रीजन में है, दो मेरे फंक्शन हैं, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, एक क्लोज कर्व भी उनको बाउंड कर रहा है, तो उन दोनों फंक्शंस के लिए ये कंडीशन बनती है ग्रीन थ्योरम की कि यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, इसका अगर मैं क्लोज्ड कर्व पे इंटीग्रल निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रल रीजन जो भी मेरे को, क्योंकि सरफेस आपका एक्स और वाई दोनों में होगा, तो डबल इंटीग्रल एक्स और वाई दोनों में, डीवी को जो वी है फैक्टर उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेट करा, माइनस डी यू को पार्शियल डेरिवेट डी वाई में करा, अब साथ में डेल एक्स डेल वाई। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, आपको कुछ दे दिया जाएगा, यू वी फंक्शंस दे दिए जाएंगे, उसके लिए ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करनी पड़ेगी, या फिर आपको कोई क्वांटिटी दे दी जाएगी जिसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि ग्रीन्स थ्योरम का ये एक्सप्रेशन होता था बस, क्योंकि आगे भी दो तीन थ्योरम है टॉपिक्स में आपके, अगर यूनिट वाइज देखें तो आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखें ना रखें ये याद रखना है। वैसे क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है कि पहले आप बता दीजिए स्टेटमेंट क्या है ग्रीन थ्योरम का, देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिए, तो वो दो नंबर का रहता है, ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल देख, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप बाकी के वीडियोस जरूर चेक करें, जितने भी वीडियोस हैं आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है, शेयर करें, हमें ग्रो करने में हेल्प करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज़ हमें कमेंट के जरिए बताएं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल है, वेरीफाई ग्रीन्स लेमा इन एक्स वाई प्लेन फॉर दिस वेयर सी इज क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगर देखूं तो ये कुछ यू डी एक्स प्लस वी डी वाई की तरह दिख रहा है मुझे। अब सबसे पहले आपको देखना है कि मुझे वेरीफाई करनी है ग्रीन्स लेमा, तो जो मेरा फॉर्मूला था मैं सिर्फ वो देख लूंगा क्या था, दिस विल बी इक्वल टू, माइनस डेल यू डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ये चीज मुझे अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, एलएचएस आरएचएस लेके करिए चाहे वैसे ही कर दीजिए नॉर्मल, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इक्वेशन लेके की बाद में एलएचएस आरएचएस लेके करेंगे तो इजी पड़ेगा। अब एलएचएस साइड को देख लेता हूं, ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई।
अब ये अगर इसको देखूं तो ये बेसिकली लाइन इंटीग्रल है। अब लाइन इंटीग्रल है विच इज क्लोज्ड बाय अ कर्व ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लाइन इंटीग्रल अगर आपको याद है कैसे सॉल्व करता था, पहले मैं अपनी एक्सिस बना ली, अब उसके बाद जो कंडीशंस हैं वो देखते हैं। वाई इक्वल टू एक्स और एक दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह से मेरी दो रीजन बन गई। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ये जो अंदर का पोर्शन रहेगा उसके लिए, ये 0 0। अब मेरे पास दो हैं, वाई इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूं इनको सॉल्व करके, ये आएगा 1 1, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये 1 1 पर। बाकी ये आगे भी चलता रहेगा, ये अपना आगे जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए बस ये पोर्शन आ गया जो हमें देखना है। अब लाइन इंटीग्रल मैंने आपको बताया था कि पाथ पर डिपेंड करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपका जो फंक्शन वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है उस पर, बट यहां पर हमें उसके मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पाथ हैं, तो इसका पूरा जब मेरे को इंटीग्रल चाहिए, तो मान लो ये पाथ एंड ये पाथ, दोनों पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल निकालूंगा और मेरा दोनों का जो आया उसको ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा जो ये पूरा LHS। तो अब पहले अलोंग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली लाइन के लिए मैं चेक कर लेता हूं, लिमिट मेरी 0 से 1 चेंज हो रही है। अब यहां पर आपको जब मैंने कराया था, अगर आपको लाइन इंटीग्रल नहीं आता है तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो प्लीज पहले लाइन इंटीग्रल बेसिक्स पहले पूरा सीख के आए, तभी आप ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, आगे जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको सीख पाएंगे। अब अलोंग दिस मेरे को दे रखा है, यहां पर मैं क्या करता हूं, वाई को एक्स स्क्वायर पुट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर एक्स टू द पावर 4 dx प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर करूं तो dy इक्वल टू 2x dx हो जाएगा, तो यहां पर ये फिर से 2x dx पुट कर दिया, dy को भी मैंने रिप्लेस कर दिया जैसे मैं बेसिक लाइन इंटीग्रल में करता था। अब क्योंकि ये खाली पूरा x का बचा है, इसको बेसिक में अपना इंटीग्रल लगा लूंगा, अगर इसको देखें तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ये 3x³ प्लस x⁴। इसको इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू मेरी आती है 19/20। अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे अलोंग वाई इक्वल टू एक्स। अब देखेंगे आप, क्योंकि मुझे पाथ एक क्लोज्ड कर्व में चाहिए था, तो पहले ऐसे गया ऐसे गया, अब अगर देखेंगे तो यहां पर इसको ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा मुझे। यहां पर अगर देखूं तो 1 से 0 लिमिट चेंज होगी मेरी, जैसे यहां पर 0 से 1 चेंज हो रही थी, यहां से मेरी लिमिट जो है 1 से 0 चेंज हो रही है, मतलब 1 से 0 चेंज हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पाथ आपको लेना है क्लोज्ड, क्योंकि यहां पर आपने देखा है ये क्लोज्ड कॉन्टूर लेना है आपको। आप नॉर्मल लाइन, जब आपने लाइन इंटीग्रल देखी थी तब तो आपने अलग अलग पाथ की, मैं यहां से गया यहां से गया यहां से गया कुछ भी करके, बट यहां पर आपको क्लोज्ड पाथ है, तो फिर आपको पाथ को चेक करना पड़ेगा कि कहां से कहां लिमिट चेंज हो रही है। यहां पर लिमिट 1 से 0 चेंज हो रही है, वो पुट कर दिया, बाकी सेम रहा एक्स एज इट इज, वाई की जगह एक्स पुट करा, प्लस अगेन वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर देखेंगे तो डी वाई इक्वल टू डू डी एक्स बना, तो ये आ गया अपना एक्स, यहां पर पूरा चेंज हो गया। अब इसको बेसिक आप अगर कर लेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। सो मेरा ये जो है LHS,
इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 19/20, दिस प्लस दिस इज माई फाइनल रिजल्ट, दैट विल बी इक्वल टू -1/20। तो आपका ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आरएचएस चेक करूंगा। सो नेक्स्ट मैं आरएचएस अपनी चेक करूंगा। वापस मैंने ये लिख दिया यहां पर रीजन, बाद में देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं। डेल वी, वी मेरा एक्स स्क्वायर है, वाई एक्स यहां पर यू है, डेल यू। अब यू है मेरा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, एक्स डी वाई। इसको आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई डी वाई। अब आपको ये लिमिट्स चेक करनी है। तो लिमिट्स चेक करने के लिए मैं देखता हूं, एक्स तो मुझे पता है अपना, एक्स मेरा चेंज हो रहा है 0 से 1, लिमिट चेंज हो रही है। और वाई अगर मैं देखूं, नीचे वाले कर्व के लिए वाई है एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले कर्व के लिए एक्स, तो वाई की लिमिट जो है एक्स स्क्वायर से एक्स, ये चेंज हो रही है। तो इन लिमिट्स को अब मैं पुट करूं अगर, तो यहां पर इसको मैं हटा रहा हूं, बस यहां पर ही मैं पुट कर देता हूं, तो यहां पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स, ये वाई की लिमिट, और एक्स की लिमिट 0 से 1 चेंज हो रही है। तो ये लिमिट्स अगर आपने लगा ली, आप ये लिमिट्स कर लेंगे, इसके बाद तो बेसिक इंटीग्रेशन बचता है, जो आपका ये डबल इंटीग्रल है, आपका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। तो आपने वेरीफाई कर दी, क्वेश्चन सही है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देता हूँ इसको, वाई की लिमिट्स ये हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या, तो एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर बाय टू, तो ये 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ खाली यही बचेगा। वाई की लिमिट है एक्स स्क्वायर से एक्स, ये मेरा एक्स की लिमिट एज इट इज चलेगी, और डी एक्स वैल्यू डालूंगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट रहेगा मेरा। तो ये वैल्यूज डाला तो ये रिजल्ट आया मेरा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया, तो एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 1/0, ये वैल्यूज डालूंगा तो आएगा मेरा रिजल्ट -1/20। और आप अगर याद हो तो जो मेरा एल एच एस था वो भी -1/20 था, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस ग्रीन लेमा थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन का क्वेश्चन करना होता है। बेसिकली आपको बस एल एच एस और आर एच एस, जो बेसिक स्टेटमेंट थी ग्रीन की, वो ही आपको प्रूव करनी होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।